चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। राज्य सरकार के कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत और कला एवं संस्कृति विभाग के SOPs जो बनाई गई है, SOP उसके अंतर्गत रात 9 बजे से 3 बजे तक स्मारकों एवं संग्रहालयों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। और साथ ही ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है स्टाफ को और हमारे ड्यूटी स्टाफ सुरक्षा कर्मियों को एवं समस्त जो भी यहाँ पर संबद्ध लोग हैं कि कोविड गाइडलाइन का पालना करेंगे, पर्यटकों को प्रवेश द्वार से ही कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रवेश कराया जाएगा, जिसमें टिकट लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाकर उनके लिए निश्चित निर्धारित दूरी तय कर दी गई है। अंदर उनको सैनिटाइजेशन एवं थर्मल स्कैनर के जांच के पश्चात प्रवेश दिया जाएगा। बिना मास्क के उनको बिल्कुल प्रवेश नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर मास्क लगा होना चाहिए। साथ ही अधिकतम 5 दर्शकों को, पर्यटकों को एक बार में प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद कुछ समय अंतराल रखा जाएगा और तत्पश्चात दूसरे अन्य दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा। और अंदर प्रवेश करने के उपरांत भी अंदर के जो स्टाफ को इस बाबत बिल्कुल निर्देश दे दिए गए हैं और हम लोग भी घूम घूम के हमारे अधिकारी संबंध हमारे कर्मचारी भी इस बात को बिल्कुल वो पालन करवा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। साथ ही पर्यटकों को वहाँ पे कोई भी वस्तु दीवार आदि छूने के बारे में भी सचेत कर रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, किसी वस्तुओं को न छूइए जिससे कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो और राजस्थान का पर्यटन व्यवसाय गति पकड़े, इस प्रकार कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन हो। और साथ ही जो आम सामान्य जनजीवन जो 2 महीने से सब संग्रहालय और पर्यटन के क्षेत्र एवं स्मारक बंद थे, पुनः खोल दिए गए हैं, इससे थोड़ा सा लोगों में उत्साह संचार एवं पॉजिटिविटी बढ़े, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया और इस प्रकार के जो सामान्य जनजीवन की ओर हमारा राजस्थान आगे बढ़े। सर, हिस्सा की बात हो तो हिस्सा में कुछ कटौती की गई है कि बराबर हिस्सा आएगा? किसमें? स्टाफ में कोई कटौती? हमारे स्टाफ जो है, क्योंकि जहाँ पे 10 से जो गाइडलाइन है, 10 से ज़्यादा जहाँ पे स्टाफ है वहाँ तो 50% का है और 10 से कम है तो हमारे कुछ 2 ऑफिसर यहाँ पे हैं तो हमने 10% जो 10 से कम स्टाफ है वहाँ पूरे लोग आ रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों और जो हमारा कुछ पार्ट म्यूजियम का बंद है इसलिए, और जो हमारे स्टाफ अभी 10 के आसपास ही है तो पूरा स्टाफ आ रहा है। और ऐसे में पत्र भी आ रहे हैं अभी, पहले भी तुलना में तो फर्क आया? नहीं, अभी आज से ही चालू हुआ है तो अभी आने वाले 1 हफ्ते में ही ये पता पड़ पाएगा पर्यटकों की क्या संख्या रहती है, क्या रेस्पॉन्स रहता है। लेकिन अब चूंकि 2 महीने का एक पूर्ण रूप से बंद था पूरी पर्यटन स्थल वगैरह, एक सामान्य जीवन लॉकडाउन और एक हम लोगों ने महामारी का एक दौर देखा है, अब चूंकि राज्य सरकार की मंशा यही है कि वो नेगेटिविटी ख़त्म होकर जनजीवन सामान्य हो और पर्यटन स्थल और भ्रमण स्थल एक थोड़ा सा आदमी के अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, उसको सामान्य जनजीवन को मानसिक अवसाद को कम करने हेतु सरकार का निर्णय लिया गया है। इसके लिए स्पष्ट रूप से उन्होंने निर्देश दिया है कि कोविड गाइडलाइन का पालना जरूर हो, जिससे कि महामारी जो है कंट्रोल में, महामारी कंट्रोल में रहे और आदमी सामान्य मानसिक अवसाद से निकल कर सामान्य जनजीवन जी सके। और बाहर के भी, चूँकि और भी जगह और राज्यों में लॉकडाउन वगैरह खोल दिया गया है, वहाँ के भी पर्यटक राजस्थान आ पाएंगे। पर्यटन चूँकि राजस्थान का प्रमुख एक व्यवसाय भी है और पर्यटन स्थल राजस्थान के बहुत बड़े, बहुत ही नामी पर्यटन स्थल, बहुत वर्ल्ड हेरिटेज से लेकर काफ़ी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजस्थान में है और उनके भ्रमण के लिए देश विदेश से लोग आते रहते हैं, रुचि रखते हैं, तो उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी और राजस्थान के पर्यटन उद्योग को भी बल मिलेगा। नीरज त्रिपाठी, वृत्त अधीक्षक, पुरातत्व संग्रहालय विभाग।